हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। पिछले वीडियो में हमने बात किया था लोक वित्त एवं निजी वित्त में समानताएं क्या होती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक वित्त और निजी वित्त में असमानताएं क्या होती हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोशिश करिए, ज़रूर देखिए अगर आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं या इससे संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो। लोक वित्त एवं निजी वित्त में निम्नलिखित असमानताएं पाई जाती हैं। सबसे पहला, आय एवं व्यय में समायोजन, यानी एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जो हमारा निजी वित्त होता है यानी प्राइवेट फाइनेंस, उसमें सबसे पहले हम अपनी आय को देखते हैं, या जो हमारी आय होती है उसी के हिसाब से हम खर्च करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। लेकिन सार्वजनिक आय के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सार्वजनिक आय किसके पास में होती है, जो पब्लिक फाइनेंस होता है, राजस्व होता है, वो सरकार के पास आता है। सरकार सबसे पहले क्या करती है, व्यय देखती है, हाँ भैया मेरा यहाँ यहाँ खर्च हो रहा है, यहाँ यहाँ खर्च हो रहा है, उसके आधार पे ही वो क्या करती है, फिर आय का स्रोत देखती है, भैया आय की व्यवस्था करती है, कहाँ कहाँ से आय आनी है। दूसरा आधार क्या है, वित्त व्यवस्था के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस। ध्यान से पॉइंट सुनिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल है। जो प्राइवेट फाइनेंस होता है उसमें दो सिद्धांतों को देखा जाता है। सबसे पहला विपणन के सिद्धांत, यानी मार्केट प्रिंसिपल, जो कहता है लाभ का उद्देश्य बस देखो, अपना लाभ देखो। ये किस केस में होता है, प्राइवेट फाइनेंस में। और दूसरा एक है आर्थिक विवेक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक रेशनैलिटी। इसमें ये देखा जाता है कि ऐसे कार्यों पर व्यय किया जाए जो आर्थिक रूप से लाभदायक हों, जो लाभदायक नहीं है उस पर खर्च ना किया जाए। ये दोनों ही प्रिंसिपल किस में लागू होते हैं, जो प्राइवेट फाइनेंस होता है। लेकिन एक बजट का सिद्धांत होता है, बजट प्रिंसिपल, ये सरकार अपनाती है। इसमें क्या होता है, सरकार ये देखती है कि जिससे सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके, वो जो होता है वो बजट होता है। और इस सिद्धांत का यूज़ कहाँ किया जाता है, पब्लिक फाइनेंस में, यानी कि राजस्व में, सार्वजनिक जो फाइनेंस होता है, सार्वजनिक वित्त में, ठीक है। तीसरा है घाटे के बजट की व्यवस्था। एक जो सरकार होती है वो घाटे की वित्त व्यवस्था को लंबे समय तक ले जा सकती है, घाटे की वित्त व्यवस्था निकाल सकती है। लेकिन जो एक प्राइवेट फाइनेंस होता है, जैसे कि हमारे पास जो प्राइवेट फाइनेंस है, जो आपके पास प्राइवेट फाइनेंस है, हाँ ये कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए आपकी आय जो है वो वैसे कम हो सकती है, वह ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक इसको आप खींच नहीं सकते हैं। प्राइवेट फाइनेंस में ये दिक्कत होती है, सरकार ऐसा कर सकती है। अगला है मुद्रा सृजन की शक्ति, पावर ऑफ क्रिएशन ऑफ परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर, यस। अगर हम लोग की बात करें तो हम लोग के पास प्राइवेट फाइनेंस रहता है, हम उससे मुद्रा का सृजन नहीं कर सकते हैं, क्रय शक्ति का सृजन नहीं कर सकते हैं, जो परचेजिंग पावर होती है, क्योंकि ये अथॉरिटी हमारे पास नहीं होती है, ये राइट हमारे पास नहीं है। सरकार के पास ये राइट रहता है कि वो मुद्रा का सृजन करे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, पावर ऑफ क्रिएशन ऑफ मनी, या फिर आप कह सकते हैं परचेजिंग पावर का जो क्रिएशन है वो सरकार करती है, हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अपने वित्त के माध्यम से। अगला है बजट की प्रकृति एवं अवधि, यानी नेचर एंड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट है कि प्रकृति की दृष्टि से निजी वित्त व्यवस्था में बचत का बजट अच्छा माना जाता है। अगर हमारे पास जो प्राइवेट फाइनेंस है, जो आपके पास है, जो व्यक्तियों के पास है, ठीक है, आर्थिक जो छोटी छोटी इकाई हैं, जो व्यक्तिगत इकाई हैं, उनका जो बजट होता है वो बचत का बजट होता है, ठीक है, सेविंग का बजट होता है। लेकिन सरकारी वित्त व्यवस्था में इस बजट को क्या अच्छा नहीं माना जाता है, अगर सरकार बचत करने लगेगी तो विकास कैसे होगा, ठीक है। अगर मुद्रा प्रसार की स्थिति को, इन्फ्लेशन की स्थिति को छोड़ दे तो सरकारी बजट में बजट के दो अर्थ निकाले जाते हैं। सबसे पहला, या तो सरकार ने कर अधिक लगा रखे हैं या फिर जनता पर व्यय कम किया है, ये दोनों ही पॉइंट सरकार को देखना होता है। अगला है वित्त व्यवस्था की गोपनीयता, अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर ये कह रहा है जो प्राइवेट फाइनेंस होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सबको बताते घूमें कि भैया देखो हमने यहाँ खर्चा किया, इतनी आय है, इतनी इतना व्यय हुआ हमारा हुआ, यहाँ यहाँ इतना इतना खर्चा किया, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। हालांकि लोग दिखाते हैं वो, अगर बातें छोड़ दे तो इस केस में गोपनीयता रहती है, हमारी मर्जी हम किसी को बताएं या ना बताएं, हम नहीं भी बता सकते हैं। लेकिन सरकार के केस में ये अनिवार्यता हो जाती है, सरकार ज़रूर बताती है कि हमने कहाँ खर्च किया है, कहाँ नहीं किया है, किस पॉलिसी पे कम किया है, कहाँ ज़्यादा हुआ है, है ना, ये सब देखा जाता है, समझा जाता है। अगला है अनिवार्यता का तत्व, यानी एलिमेंट ऑफ कंपल्शन। एक बात ध्यान रखिएगा, लोक और निजी वित्त में एक महत्वपूर्ण अंतर अनिवार्यता के तत्व का होता है। राज्य आय प्राप्त करने के लिए बल का प्रयोग कर सकती है, सरकार जबरदस्ती भी हम लोगों से आय, मतलब आप कह सकते हैं ऋण हो गया या आय, इनकम जनरेट कर सकती है किसी भी माध्यम से, लेकिन निजी इकाई ऐसा नहीं कर सकती, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से हमने क्या किया, जबरदस्ती उससे पैसा ले लिया, ठीक है, आय जनरेट कर दी, ऋण ले लिया,
उधार पैसा ले लिया वापस नहीं दिया, ऐसा नहीं कर सकते। सरकार ऐसा कर सकती है, उसके पास अथॉरिटी है, क्योंकि घोटाले, गिलास घोटाला, धनिया घोटाला, चारा घोटाला, है ना, पानी घोटाला, कुछ दिन के बाद देखना पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित घोटाले होने लगेंगे, ऑक्सीजन घोटाला भी होने लगेगा। ठीक है, अभी आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में स्कॉलरशिप का घोटाला हुआ करोड़ों रुपए का। ठीक है, ये सब वो कर सकती है। ठीक है, अगर कुछ तत्व वहाँ पे गंदे हैं तो, हालांकि उनको बाद में मैनेज किया जाता है। तो ये था, खैर ये अलग मैंने बात बोल दी, लेकिन ऐसा होता है भाई, बिल्कुल होता है समाज में, ऐसा होता है। ये सरकारें, लगभग हर सरकार में दो चार छोड़िए 40-50-10 ऐसे निकल ही जाते हैं, होते ही हैं, जो बेईमानी से खाना पसंद करते हैं, उसमें रहना पसंद करते हैं। तो ये था लोक एवं निजी वित्त में असमानताएं क्या हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।